भी हमारे नए सरपंच बने हैं, उन्होंने ये ऐसा स्टार्ट किया है सारे गांव के अंदर, मतलब जागरूक करना लोगों को। अभी से स्टार्ट किया, हम चाहते हैं कि अगली बार भी सरपंच को ही बने। अच्छा, सरपंच को दोबारा सरपंच मारे हो? ये मान के चलो मेरे गांव को कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे हो गया, तो बॉर्डर पे होने के कारण कई बार हम दरवाना चले जाते हैं, तो दिन चले जाते हैं। हमें तो लोग पंजाबी कहते हैं कि बॉर्डर पे हो जाने के कारण। हमारे रिश्तेदारी जो 50% वो पंजाब के अंदर है, क्योंकि ये जो तीज तो हरियाणा में मनाई भी गई है पहले, क्योंकि हमारे जब तीज स्टार्ट होती है हरियाणा के अंदर, पंजाब में हमारे उस दिन स्टार्टिंग होती है, और जब रक्षाबंधन होती है उस लास्ट दिन वाले इस तीज का हम मतलब जो मनाते हैं, तो उसका हम एंड लास्ट वाले दिन करते हैं, रक्षाबंधन वाले दिन। जो हमारे साथ युवा साथी है, हमसे पूछ रहे थे, भाई साहब नमस्कार, गांव डिंडोली के अंदर जो कार्यक्रम है, किस तरीके से आज जो मनाया गया, क्या क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो हमारे एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो ये आज का जो त्योहार है हमारे गांव का, ये लगभग पहले हम जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो हम देखते थे हमारी जो बहनें, हमारी बुआएं बड़े इस त्यौहार को इकट्ठा होकर मिलकर मनाते थे। हमारी जो संस्कृति है वो हर त्यौहार को सभी भाईचारा जितने भी इकट्ठा होकर मनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और हमारा जो गांव है डिंडोली गांव, जो तहसील नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद का बॉर्डर पे, बहुत ही प्यारा है गांव है, और हमारी संस्कृति बहुत ही कमाल की है, बड़ा हमारे गांव के अंदर बड़ा प्रेम प्यार भाईचारा बिल्कुल बहुत ही कमाल का। और हमारे जो सरपंच है दर्शन सिंह सिद्धू, हमारे जो सरपंच अभी हमारे युवा सरपंच हैं, जिन्होंने ये मुहिम पता नहीं कितने सालों बाद दोबारा से सभी गांव की बहन बेटियां बुआओं को इकट्ठा करके इस प्रोग्राम के अंदर इस त्यौहार में चार चांद लगा दिए, बड़ा आज बड़ी खुशी हो रही है सभी हमारी बुआओं को बहनों को मिलके, बड़ा कमाल का लगा यहाँ पे आके। और आज सरपंच जी को मैं बधाई दूंगा कि आगे भी ऐसे ऐसे कल्चर, ऐसे ऐसे हमारे त्योहारों को ऐसे मिलके इकट्ठा हम मनाए, ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं त्योहार की, और धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आपको वो जो लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी थी, जो बुआएं जा चुकी थी, शादी हो चुकी थी, वो आज इकट्ठी हैं एक साथ, कहीं ना कहीं वो सहेलियां जो मिल नहीं पाती थी अपने घर पे आके, तो आज कहीं ना कहीं वो इकट्ठी है, मिल रही है आपकी बदौलत, क्या कहना चाहोगे आज? पहले तो भाई साहब, आप एनजी न्यूज जो आपका चैनल है उसको मैं तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये गांव बहुत ही लास्ट गांव है हरियाणा हल्के का, और ये नरवाना हल्के का लास्ट गांव है, ये एक बॉर्डर पे गांव पड़ता है, बिल्कुल एक छोटा सा गांव है। ये मान के चलो मेरे गांव को कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे हो गया, तो बॉर्डर पे होने के कारण कई बार हम नरवाना चले जाते हैं, तो दिन चले जाते हैं। हमें तो लोग पंजाबी कहते हैं कि बॉर्डर पे हो जाने के कारण। हमारी रिश्तेदारी जो 50% वो पंजाब के अंदर है, क्योंकि ये जो तीज तो हरियाणा में मनाई भी गई है पहले, क्योंकि हमारे जब तीज स्टार्ट होती है हरियाणा के अंदर, पंजाब में हमारे उस दिन स्टार्टिंग होती है, और जब रक्षाबंधन होती है उस लास्ट दिन वाले इस तीज का हम मतलब जो मनाते हैं, तो इसका हम एंड लास्ट वाले दिन करते हैं, रक्षाबंधन वाले दिन। और सबसे मेन बात यह है कि हमारी जो मैंने तो ऐसी ऐसी माता बहने बुआ दादी इतनी दूर दूर से आई है, मैंने तो पहले उनको भी देखा ही नहीं, वो कहती है मैं फलाने की बुआ हूँ, फलाने की मौसी लगती हूँ, तो ये सौभाग्य है मेरे को, ये गांव वालों ने, मैं तो गांव वालों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी, गांव का मुखिया बनाया, इसको मैं तहे दिल से निभाऊंगा, और कोशिश है कि गांव के अच्छे अच्छे विकास करवाऊंगा, सोच रखता हूँ, और जिसकी सोच अच्छी होती है परमात्मा उसका साथ देता है। गांव के लोगों ने आपका धन्यवाद किया है और चाहते हैं आगे भी आप ही आए, क्योंकि जब आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, प्रोग्राम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह का सरपंच हमें चाहिए। देखो वो तो गांव वालों की ऐसी सोच है, मेरा मुकद्दर होगा तो दोबारा भी गांव वाले मेरे को मौका देंगे जैसे अब दिया है, अच्छे अच्छे काम करने की सोच रखते हैं, और नौजवान युवा ये आपके सामने खड़े हैं, सभी मेरे साथी हैं, मेरी टीम है युवा, तो ये मिलकर मेरा साथ देते हैं, और ये मेरे को राय भी देते हैं, मैं बुजुर्गों से भी राय लेता हूँ कि क्या काम करने चाहिए, जो गाँव के जो ऐसे कुछ कार्य है जो काफी सालों से रुके हुए हैं, कोशिश है कि अच्छे अच्छे काम करेंगे और गांव का विकास करेंगे और गांव को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कितने दिन पहले तैयारी कर ली थी भाई, इकट्ठा ये प्रोग्राम करना है? ये तो पिछले साल की भी तैयारी हुई थी भाई, तो पिछले साल कुछ दुर्घटना के कारण ये कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, तो ये पिछले साल करना था, तो अब की बार किया है। तो पूरा बढ़िया अच्छी तरह से पूरा प्लान करके मनाया? ये प्लान तो ऐसा ही था, अभी सबकी राय थी, तो कभी बहनों के भी काफी बार फोन आए, बुआ की फोन है, पिछली बार भी आते रहे, तो अब की बार ये करने का मौका मिला और गांव का बड़ा प्रेम प्यार मिला, बड़ा अच्छा लगा जी। गांव पड़ता है 61 गांव में से, इकलौता आपका गांव है, और भी गांव है जो बॉर्डर के नजदीक है, लेकिन आपके गांव में ये जो प्रथा पंजाब वाली प्रथा यहाँ चलाई है और सबसे बढ़िया कार्यक्रम है। तो सभी गांव अच्छे हैं, 61 गांव के 61 गांव अच्छे हैं, तो कुछ जैसे मेरे दोस्त है सिल्लू सरपंच, आप ये नहीं कहोगे और सरपंच आप उनको ये नहीं कहोगे कि आप इस तरह का कार्य करवाएं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहूंगा कि चलो अब की बार नहीं, कुछ भाइयों को पता लगा, सरपंच भाइयों को, सभी सरपंच भाइयों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे अपना एक तालमेल बना रहता है, जिसे कोई बुआ है जैसे सिस्टर है, बुआ है, दादी है, जो भी रिश्तेदार है, वो एक बहाना हो जाता है। बिल्कुल वैसे तो कोई किसी घर पे आता नहीं है, कोई ना कोई बहाना चाहिए आने के लिए, बहनों को, बुआ को, सिस्टर को, तो एक ये एक बहाना है जिससे हम इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा प्रेम प्यार बना रहता है और हमारा एक दूसरे से संपर्क, परिवार मिलन फेस्टिवल, बिल्कुल सर ये हो जाता है उसमें सभी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये तो सभी साथियों को नमस्कार, एनजी न्यूज, एमडी न्यूज और जेसीएन सभी दर्शकों को नमस्कार। आज पहुंचे हैं बॉर्डर के पास जो डिंडोली गांव है, यहां पर जो है
जो तीज से लेकर और रक्षाबंधन त्योहार है तब तक जो है एक कार्यक्रम होता है बहुत ही प्रसिद्ध। नरवाना का 61 गांव पड़ता है और 61 गांव में जो है एक इकलौता ऐसा गांव है डिंडोली गांव जिसमें इस प्रकार का कार्यक्रम जो पंजाब में जिस प्रकार से कार्यक्रम होता है वो हरियाणा में भी होता है। ऐसे में अलग से ये जो पहल शुरू की गई है ये डिंडोली गांव के जो सरपंच है मौजूदा नवनियुक्त सरपंच उनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है और हम चाहते हैं इस प्रकार की पहल है नरवाना के जो 61 गांव है क्योंकि ये जो बॉर्डर के पास है पंजाब के लगते गांव है ऐसे में इन सभी में ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो आज कितना अच्छा लग रहा है जो यहाँ पर महिलाएं हैं बच्चे हैं सभी इनसे बातचीत करेंगे और जो आपको लाइव कवरेज दिखाई है उसमें आपको दिखाया भी है किस तरीके से कितने खुश दिखाई दे रहे थे बच्चे। पहले नाम है सिमरन सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो सर? 9th क्लास में पढ़ते। अच्छा गांव कौन सा तुम्हारा? सर डिंडोली। अच्छा जो ये कार्यक्रम है कैसा लगा पहले? ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत दिनों बाद ऐसे देखने को मिला है, ये बहुत सालों बाद ऐसा प्रोग्राम रखा है हमारे नए सरपंच ने। अच्छा। हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत बढ़िया बहुत गुड़िया। देखो अच्छा जैसे 61 गांव पड़ते हैं हमारे नरवाना के, इस गांव में हुआ है तो आपको कैसे लगता है कि नरवाना के सभी गांव में ऐसा होना जरूरी है? ऐसा होना बिल्कुल जरूरी है, बच्चों को पुराने कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस गांव में ऐसा सरकारी स्कूल में रखा गया और सारे स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है सारे गाँव में बच्चों को। कब से चल रहा है ये कार्यक्रम? ये अभी हमारे नए सरपंच बने हैं उन्होंने ये ऐसा स्टार्ट किया है सारे गाँव के अंदर, मतलब जागरूक करना लोगों को अभी से स्टार्ट। कैसा लग रहा है आपको ये? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सभी बच्चे आए हुए हैं गांव के, सारी लड़कियां आई हुई हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है वो मतलब अपने गांव में आई है, उनको बहुत अच्छा। अच्छा लगा वो भी बुलाई गई है? हाँ, सभी गांव की लड़कियां आई हुई हैं। पहले भी होता था ये? पहले तो ऐसा नहीं हुआ, बाकी अब जो नए सरपंच आए उन्होंने ऐसा किया है स्टार्ट, मतलब एक फैमिली की तरह त्योहार बनाया। हाँ, हाँ, ऐसा फैमिली की तरह बनाया तो हर साल ऐसे होना चाहिए। हाँ, हर साल ऐसे सभी को इकट्ठा करना चाहिए, बहुत अच्छे तरह से मनाना चाहिए। अच्छा जैसे ये तीज का और रक्षाबंधन त्योहार है जैसे दिवाली भी आती है होली भी, तो उस पर भी उम्मीद करते हो कि ऐसे? हाँ, हम बहुत उम्मीद करते हैं, हम सभी पूरे गाँव वाले सभी उम्मीद करते हैं सरपंच आगे भी ऐसा ही करे, अच्छी तरह सभी को इकट्ठे करें और ऐसे बनाए त्योहार को। बहुत नमस्कार। अच्छा तो क्या कहना चाहोगे, जो कार्यक्रम कैसा लगा पहले तो ये बताओ? हमको बहुत अच्छा लगा, हम जहाँ आए हैं और सभी गांव कहते हैं अच्छा लगना चाहिए और सभी जगह लगना चाहिए, सब पंजाबी सभ्याचार है इसको भूलना नहीं चाहिए कभी भी, ये अच्छा लगता है। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम डंडौली में सरपंच साहब का। हम सुनाम से है, सुनाम से वहाँ पर भी होता है कार्यक्रम? हाँ जी ऐसे होते हैं कार्यक्रम हमारे। हरियाणा में नहीं देखा होगा? नहीं कभी हरियाणा में नहीं देखा, हम पहली बार देखे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लग रहा है जो तुम्हारे गांव में एक त्योहार जो है अलग तरीके से मनाया जा रहा है और जिसमें पूरे एक परिवार की तरह सभी झूम रहे हैं नाच रहे हैं और साथ में भोजन का भी कार्यक्रम किया गया, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार हमारे गाँव में ये सेलिब्रेट नहीं किया गया है। ओके, कार्यक्रम पहले भी होता है इस गांव में? पहले होता थी जी, नहीं होता था पहले, उरे नहीं होता थी जी। अच्छा जी। साड़े पंजाब चो होता थी, पंजाब चो होता है। हां पंजाब, पंजाब वाले रीति रिवाज इथे ले। हां उरे पहली बार होता था। नाम सरपंच साहब ने बहुत अच्छा करवाया, बहुत सालों तो हो ही नहीं रही थी, पहली बार ये गांव में ना सरपंच साहब ने करवाया। और ऐसा सरपंच ये है ना, सारी सरपंच ऐसे बनने चाहिए जो बेटियां को, सारे गांव की बेटियों को बुलाया इसने। बिल्कुल, सरपंच सरपंच साहब की काफी तारीफ यहां पर की जा रही है, क्या कहना चाहोगे? सरपंच साहब की काफी तारीफ की जा रही है कि ये कार्यक्रम जो है सरपंच साहब ने करवाया और बहुत अच्छे तरीके से करवाया। भाई सरपंच ने बहुत अच्छा करे भाई, हर बार ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए जिससे पूरे पूरा गांव प्यार से भाईचारा बहन भी सारी आपस में मिलकर त्योहार मनावर अपनी संस्कृति बनाए। आप यहाँ की बेटी हो? शादी हो रही है? अच्छा, स्पेशल आया है? बात वगैरह करें अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। सरपंच का धन्यवाद करो कभी ऐसे त्योहार? भाई सरपंच का बहुत बहुत धन्यवाद करो भाई, पूरा गांव की बेटी, बहुत बहुत शादी वाला एंजॉय आया क्या? हाँ भाई बहुत। नमस्कार माता जी, जो कार्यक्रम है कैसे लगा पहले तो ये बताओ? बेटे बहुत अच्छा लगा है, बहन भाइयों का प्यार बना इसमें। अच्छा, हर साल ऐसे ही सोचते हो? हाँ, तो आप ये नहीं लगता कि जो सभी त्योहार है वो इसी तरह से होने? ये त्योहार बहुत अच्छा लगा, बहन भाई का त्योहार है, बहन भाई का। हाँ, बहन भाई से लेके अब तक जो है पंजाब में मनाया जाता है इसी तरह? पंजाब में मनता है, हरियाणा में नहीं मनता। हरियाणा मना दिया, एक दिन मना करता हूँ, घट गया। अब मना दिया सरपंच साहब ने? सरपंच साहब ने तो मना दिया, 10 साल में मना आया, पर भी मना था, पर कभी मना था। फिर ये बहन भाई का प्यार है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा त्योहार है। बढ़िया लगा जी, आज इधर। अच्छा कितनी उम्र होगी, कितनी उम्र होगी? 70 साल। 70 साल देखा पहले भी? नहीं देखा, पहली बार। किन्नू कराया? सरपंच ने। सरपंच कराया, धन्यवाद करोगे? धन्यवाद काम करता है। मैम जी क्या कहना चाहोगे, कार्यक्रम जो कराया जा रहा है हमारे रीति रिवाज है उसको दोबारा उजागर करता है, उनको उठाता है, पंजाब के अंदर ऐसा कार्यक्रम होता है जो तीज से लेकर जो रक्षाबंधन तक इसी त्योहार होता है, लेकिन हरियाणा में ये पहल गांव के सरपंच के द्वारा शुरू की गई है, कैसा लग रहा है? हमारे सरपंच साहब हैं बहुत, मतलब सबका ही ख्याल रखते हैं। हाँ जी सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने और बहुत अच्छा, सब गांव की सभी लड़कियों को इनवाइट किया गया स्पेशली। तो आप इस गांव की लड़की? मैं गांव की। तो शादी हो रही है? हाँ जी शादी। तो बुलाया गया स्पेशल? यस स्पेशल बुलाया गया। तो आपको बहुत अच्छा लगा, जितने भी त्योहार है
उन सभी पे इसी तरह प्रोग्राम हो और इसी तरह आप आए और फैमिली की तरह कार्यक्रम। हमारे पास मेरे पास अभी मैं तो छुट्टी भी नहीं थी, मैं टीचर हूँ यहाँ सेंटर कॉलेज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली इनवाइट किया। कहाँ कहाँ? पटियाला में। यहाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, पूरा एक फैमिली की तरह। क्या बात है, नाम आपका? सिमरन। कौन सी क्लास में है? नाइन्थ। आपका? तनीशा। कौन सी क्लास? टेंथ। प्रभजोत फ्रॉम नाइन्थ क्लास। अच्छा, जैसे आप डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक शादी में इस तरह से करते हैं, एक त्योहार के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा होगा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि गांव के सरपंच के द्वारा आपको एक डांस का भी मौका मिला, नाचने का भी मौका मिला, एंजॉय करने का भी मौका मिला और एक त्योहार मनाने का भी मौका मिला, तो कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। भी शादी के तो होती है किसी में, उसमें तो एंजॉय हो, साथ में कोई त्योहार है उसमें भी इसी तरह से प्रोग्राम। हाँ, हाँ, ऐसी तरह ही होगा, हम चाहते हैं कि अगली बार भी सरपंच को ही बने। अच्छा, सरपंच को दोबारा सरपंच मना रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया। सरपंच जी के बारे में और कार्यक्रम के बारे में? वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर हेड ऑफ अवर विलेज मिस्टर दर्शन टू की, बिकॉज़ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस नेवर हैपेंड इन अवर विलेज एंड वी आर वेरी एंजॉयिंग दिस फंक्शन। अच्छा, पूरा एंजॉय कर रहे हो? यस। शादी में भी करते हैं इतना एंजॉय? यस यस। अच्छा, जो वी आल्सो वांट दैट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फेस्टिवल है उसमें भी सेम टाइप ऑफ फंक्शन हैपेंड? अबाउट इट? यस यस। ते गांव ढिंडोली के सरपंच दर्शन सिंह सिद्धू, जो अपने गांव के विकास के लिए और ये जो एक रीति रिवाज जो है शुरू किया है इन्होंने, वैसे तो पहले भी होता है लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से ये बंद हो चुका था, पंजाब का कार्यक्रम है और यहाँ हरियाणा में शुरुआत करी है, तो हम चाहेंगे कि हरियाणा के या नरवाना के 61 गांव है उनमें भी इसकी शुरुआत की जाए ताकि जो कल्चर है वो ऐसी तरह कायम रहे और जो हमारे बुआ है, बहनें हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है, वो दोबारा अपनी सहेलियों से, अपने परिवार से इकट्ठी मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरपंच साहब का और गांव वालों का जो इस प्रकार की मुहिम, इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा एनजी न्यूज को शेयर कर देना, फॉलो कर देना गाँव डिंडोली से ये खबर। धन्यवाद।